अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं शहबाज अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस का असली चेहरा आज देखने को मिला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंडियन नेशनल बाइक रैली चैलेंज का एहतमाम रंगारेड्डी जिले मंचल मंडल थल्लापल्ली गुड़ा विलेज में बगैर परमिशन से यह रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ स्टेट से आए हुए 52 रेसर्स को पुलिस ने रोक दिया। लेकिन नाजरीन, ये क्या पुलिस अपना आपा खो दिया और जिस तरह से ये बदसलूकी और बदकलामी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इसी तरह की बदसलूकी और बदकलामी के साथ जो मारपीट की है उसका असर जो दूसरे स्टेट से आए हुए लोगों पर हमारे तेलंगाना पुलिस की कैसी छाप पड़ेगी उसका अंदाजा हमारे पुलिस के जिम्मेदारों को लगा लेना चाहिए। क्राइम टुडे न्यूज बारहा पुलिस के आला अहदेदारों से फ्रेंडली पुलिस के असली चेहरे को अवाम तक लाए और ना के वो रवैया जो आप इस पुलिस अहदेदार का जो इस वीडियो में देख रहे हैं। क्राइम टुडे न्यूज ये वाजे कर देना चाहता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो पुलिस और अवाम को एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं, पर इस तरह के वाकयात को देखते हुए लग रहा है कि ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। शेख रहमत अली के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं शहबाज अली।